बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने हिजाब की हिमायत कर दी। आपको याद होगा मुस्कान लड़की जिसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था उसके हक में भी सलमान खान ने बयान दिया था, और अब उन्होंने खवातीन के ड्रेस कोड को लेके कुछ ऐसी बात कह दी है कि यकीन जानिए भारत में जो हिंदू इंतहा पसंद है ना उनकी दुम पर पैर रख दिया। भारतीय मीडिया को मिर्चे लग गई हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब खवातीन के बारे में ऐसा बयान कैसे दे सकते हैं सलमान खान। हालांकि सलमान खान ने जो बयान दिया खवातीन के हक में उसको पूरे माशरे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर उसको सराहा जाना चाहिए। सलमान खान ने कहा कि खवातीन का जिस्म बहुत अनमोल है। भारत में दिल्ली के अंदर जिस तरह से खवातीन के साथ जिंसी ज्यादती की जाती है, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने सेट पर एक ड्रेस कोड बना दिया है। श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी को भी मैंने हिदायत की कि इस तरह से गलीज कपड़े पहनकर ना हो, लेकिन उसकी वजह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब बॉलीवुड के दबंग खान, बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान साहब, सलमान खान ने यकीन जानिए इतना खूबसूरत बयान, उन्होंने दुबई में रजत शर्मा का एक शो है आपकी अदालत उसमें बैठकर उन्होंने इतना खूबसूरत बयान दिया कि यकीन जानिए इस बयान को पूरी दुनिया के अंदर सराहा जाना चाहिए। मैं तमाम ममालिक के माशरे से कतए नज़र, पाकिस्तानी माशरा, भारत का माशरा, पूरी दुनिया का माशरा, वेस्टर्न ममालिक का माशरा, मैं तमाम माशरे की बात कर रहा हूँ कि जनाब उन्होंने जो बयान दिया ना खवातीन को लेकर, उस बयान को पूरी दुनिया के अंदर सराहा जाना चाहिए था। लेकिन भारत के अंदर इस बयान के बाद यकीन जानिए सलमान खान के खिलाफ एक महाज खड़ा कर दिया गया, सलमान खान के खिलाफ एक महाज खोल दिया गया। आप ट्विटर उठा के देखें सलमान खान टॉप ट्रेंड पर नजर आएंगे, क्योंकि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये जनाब कुछ लोग तो ये बैठे हुए हैं जो कि सलमान खान को इस्लामी इंतहा पसंद करार दे रहे हैं, बजाते खुद वो हिंदू इंतहा पसंद है। जनाब वो आटे में नमक के बराबर जो लोग हैं, मैं हमेशा बात करता हूँ भारत के अंदर कुछ मुठ्ठी भर लोग हैं, तमाम भारतीयों की मैं कभी बात नहीं करता, तमाम हिंदुओं की मैं कभी बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि भारत को कंट्रोल कर रहे हैं, जो भारत को इस वक्त रूल कर रहे हैं, वो मुट्ठी भर लोग हैं, आटे में नमक के बराबर लोग हैं, जो कि ये समझते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, मुसलमानों की सरजमीन भारत है ही नहीं, भारत वहाँ मुसलमान वहाँ पर किराएदार हैं और जब चाहेंगे वो उसको खाली करा। लेकिन सलमान खान ने ऐसा क्या कह दिया यार? सलमान खान ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, अगर इसको समझा जाए, इसका एहतराम किया जाए। सलमान खान ने कहा जनाब औरत का जिस्म अनमोल होता है, वो जितना ढकर है उतने में ही उसकी खूबसूरती है। ये बड़ा शानदार किस्म का बयान दिया, लेकिन सलमान खान को ये बयान देने की ज़रूरत पेश क्यों है? आपको याद होगा कुछ अर्से पहले मुस्कान नामी एक लड़की थी भारत के अंदर, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था, और जो गीदड़ वहाँ पर मौजूद थे ना, जो झुंड वहाँ पर मौजूद था हिंदू इंतहा पसंदों का, उसके बीच में खड़े होकर उस मुस्कान ने, शेर की बच्ची ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। इस नारे के बाद, इस तमाम सूरत हाल के बाद भी भारत में जो सोसाइटी थी ना वो डिवाइडेड हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि जनाब बिल्कुल होना चाहिए, कुछ लोगों ने हिजाब पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी। शाहरुख खान की एक वीडियो निकलकर सामने आई थी, मैं पूरा सलमान खान का बयान आपको बयान करूंगा, लेकिन आपको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। शाहरुख खान की एक वीडियो निकल कर आई, सलमान खान शाहरुख खान स्टेज पर मौजूद थे, एक एक करके उनसे खवातीन, उनकी जो फैंस है ना वो मिल रही थी, जीन्स टी शर्ट में खवातीन थी, एक शलवार कमीज में खवातीन थी, जनाब उन्होंने सबको हक किया, उनसे हाथ मिलाया, उनके साथ तस्वीर बनाई, लेकिन उनके पीछे एक लड़की थी जिसने हिजाब किया हुआ था, बकायदा बुरका पहना हुआ था। सलमान शाहरुख खान को अंदाज़ा हो गया था, शाहरुख खान ने जैसे ही उनकी बारी आई ना तो उनको दूर से ऐसे किया, दिल पर हाथ रखा, ये सलाम करने का तरीका होता है। शाहरुख खान ने उस लड़की के हिजाब का एहतराम किया, और ये बात हिंदू इंतहा पसंदों को अच्छी नहीं लगी। अब सलमान खान ने क्या कहा? सलमान खान ने रजत शर्मा की जो आपकी अदालत शो है जो कि दुबई के अंदर रिकॉर्ड किया गया, उसमें भारत में सिक्योरिटी के वाले से काफ़ी ज़्यादा सवालात उठाए कि वो अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को भारत के अंदर बेहतर महसूस नहीं करते हैं, इनसिक्योर महसूस करते हैं। लेकिन ख़वातीन के वाले से उन्होंने बात की कि ख़वातीन को ढका छुपा रहना चाहिए, वो जिस तरह के कपड़े पहनती हैं वो कपड़े नहीं पहने चाहिए, ओपन गले के कपड़े नहीं होने चाहिए, उन्होंने पहले भी वो बात कर चुके थे इस तरह की। हुआ ये, श्वेता तिवारी भारत की एक बड़ी मशहूर अदाकारा, उनकी एक बेटी है पलक तिवारी, उन्होंने ये जो किसी का भाई किसी की जान सलमान खान की मूवी आई है ना, इसमें किरदार भी अदा किया है, लेकिन अंतिम एक फिल्म आई थी सलमान खान की, उसमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे थी। कौन? श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर थी।
सलमान खान ने एक दफ़ा श्वेता तिवारी की बेटी पालक तिवारी को बुलाया और कहा कि यार आप मुनासिब कपड़े पहनकर आया करें, अच्छा नहीं लगता है कि लड़के आपको इस तरह से घूरें, ये अच्छी चीज़ नहीं है, मुनासिब चीज़ नहीं है। पलक तिवारी ने इस बात को बड़ा पॉजिटिव लिया और जब वो एक दफ़ा बड़ी तैयार से यार होकर घर से निकल रही थी तो उनकी वालदा ने कहा कि भाई इतने सारे कपड़े पहन के कहाँ जा रही हो, तो उन्होंने कहा कि मैं सलमान खान की शूट पर जा रही हूँ। अब जब ये बयान आया तो भाई ये जो लिबरल्स हैं ना, ये जो लोग हैं जो कि आप समझ लें कि औरियानियत को फैशन समझते हैं, उनको आग लग गई, उन्होंने सलमान खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सलमान खान को उस बयान की वजाहत देनी पड़ गई, उनको हिजाब की हिमायत करनी पड़ गई। उन्होंने कहा मैंने पलक तिवारी को बोला था कि मुनासिब कपड़े पहन कर आएँ, क्योंकि जिस तरह से आजकल लड़के लड़कियों को देखते हैं वो चीज़ सही नहीं है। भारत का माहौल, भारत में दिल्ली के अंदर जिस तरह से ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है वो मुनासिब नहीं है, सही नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि जनाब लड़कियों को एक मुनासिब कपड़े पहन के मेरे सेट पर आना चाहिए। कम से कम मैंने अपने सेट पर ये क्राइटेरिया बनाया हुआ है, ये तमाम चीज़ें बनाई हुई हैं कि जो लड़की आएगी वो मुनासिब कपड़े पहन कर आएगी, क्योंकि 10 किस्म के लोग मौजूद होते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पलक तिवारी को कहा था कि तुम्हारे यहाँ पर दोस्त नहीं है, यहाँ पर तुम्हें लोग जज कर सकते हैं, तुम ऊट पटांग कपड़े पहन कर आओगी लोग समझेंगे कि तुम उनको एक तरीके से वेलकम वाला बोर्ड लेके खड़ी हुई हो, वो जो तुम्हारे साथ चाहे करना वो कर सकते हैं। इसलिए मैंने पलक तिवारी को कहा था कि जनाब इस तरह के कपड़े ना पहने, और उन्होंने हिजाब की भी हिमायत की। अब सलमान खान का ये बयान आया है और यकीन जानिए भारत के अंदर जो लोग बैठे हुए ना उनको मिर्चें लग गई, उनकी दुम पर किसी ने पैर रख दिया ऐसा लग रहा। उन्होंने कहा नहीं कि सलमान खान ने इस तरह का किस तरह का बयान दे दिया, उन्होंने सलमान खान को इस्लामी इंतहा पसंद करार दे दिया। सलमान खान ने दुबई के अंदर बैठ के बोला कि मैं दुबई में अपने आप को बहुत बेहतर महसूस करता हूँ, सेफ महसूस करता हूँ, भारत में तो मेरी जान के तौर पर है, लोग पुलिस की हिरासत में बैठ के लोग मेरे खिलाफ बयान देते हैं और कहते हैं सलमान खान को मार देंगे। 20 से 25 के करीब सिक्योरिटी एहलकार हैं सलमान खान की सिक्योरिटी पर तैनात, जिसमें उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स, पुलिस के एहलकार, फौज के एहलकार तैनात हैं। वाई प्लस सिक्योरिटी दी जाती है सलमान खान को, लेकिन उसके बावजूद वो वहाँ पर अपने आप को बगैर महफूज तसव्वुर करते हैं। और ख़वातीन के वाले से उन्होंने कहा कि आप मुनासिब कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने, आपका जिस्म बड़ा अनमोल है, नहीं चाहता मैं कि लड़के आप पर गंदी निगाह डालें, गलत निगाह डालें, गलीज़ निगाह डालें। इस बयान में कोई बुराई नहीं थी, इस बयान में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी वजह से सलमान खान की ट्रोलिंग की जाए, सलमान खान को तनकीद का निशाना बनाया जाए। लेकिन आप ट्विटर उठा के देखें सलमान खान के खिलाफ बातें की जा रही, सलमान खान के फैंस की तादाद पूरी दुनिया के अंदर है और डाई हार्ड फैंस हैं भाई, मरने और मारने पे तुल जाते हैं। सलमान खान के खिलाफ आप कोई लफ्ज़ नहीं बोल सकते उनके सामने, लेकिन वो भी शायद सलमान खान के इस बयान को वेलकम नहीं कर रहा है, बड़ी अफसोस की बात है। इस पर आपकी राय क्या है, मैं चाहूँगा कि आप सब कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रहीं, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना।